धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के शक्ति चौक स्थित कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रास्ते से गुजर रही बसों को देर रात तकरीबन 12:30 बजे जबरन रोकने का प्रयास किया गया और बस के ऊपर पत्थरबाजी भी की गई। बीती रात हुई इस घटना से भयभीत होकर धनबाद जिला बस एनोस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित कुमार सिंह ने आज धनबाद SSP से बसों की सुरक्षा हेतु गुहार लगाने पहुंचे तथा मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, कल रात का ये घटना है। रात में 12:30 बजे शक्ति चौक तेतुलमारी थाना के पास का घटना है। रात में कुछ बस रांची से भागलपुर, रांची से गोड्डा और धनबाद से रांची जा रही थी, तो सारे बसों को रुकवाया गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। और बस जब नहीं रोका तो बस पे पत्थर का बौछार किया गया, जिससे कि बस भी क्षतिग्रस्त हुआ और शीशा भी बस का टूट गया, जिससे कि पैसेंजर में भय का माहौल हो गया और सारे चीख चीख पुकार मच गया बस में पैसेंजर में। एग्जैक्ट किस लोकेशन पे ये हुआ है? एकदम शक्ति चौक है, शक्ति चौक है। इनके द्वारा ये पहली बार हुआ या घटना? ये पहली बार हुआ और ऐसा घटना कभी पहले नहीं। कौन लोग हैं ये? ये अब कौन बस को लूटने का प्रयास किए क्या किए तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि रात का 12:30 बज रहा था। जब बस वहाँ से भागा तो पेट्रोलिंग गाड़ी थी, तो उसको बस वालों ने जानकारी दिया, बस के ड्राइवर ने, कैसा ऐसा हुआ। तो जब वो सब पुलिस वहाँ पहुँचे तो वहाँ से जो भी थे वो लोग भाग गए। तो ऐसा घटना हुआ तो इससे बस वालों की शिकायत अपने स्थानीय थाना में दी। अभी इसकी लिखित शिकायत हम लोग SSP महोदय को दे रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी बस में तोड़फोड़ हुई, बस सब बाहर की बसें थी, वो लोग में तो रात में हुआ तो वो लोग सब चले गए अपने स्थान पे। जहाँ मांग क्या करते हैं? हम लोग ये मांग करते हैं कि SSP महोदय, इसमें हम लोग को बस को थोड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए, रात में रात्रि गश्ती को बढ़ाए, जिससे कि पैसेंजर में और बस मालिक बस विश्वास सब रहे, सबको ये बस में सेफ रहे या न रहे। अपना परिचय? मैं सुमित कुमार सिंह हूँ, धनबाद बस एसोसिएशन का अध्यक्ष।